आज की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। गंगा के रास्ते, दरअसल प्रियंका गांधी की चुनावी यात्रा का आज तीसरा और आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ब्लॉग पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया था और वंशवाद की राजनीति, रक्षा सौदों में हुए घोटालों का जिक्र किया था, लेकिन इसी पर प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर से किया है पलटवार और वो ये कह रही हैं कि हम डरने वाले नहीं है, चाहे हमें कितना ही क्यों ना प्रताड़ित किया जाए। मीडिया ने जैसे ही उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि चुनार से उन्हें निकलकर आज काशी पहुंचना है, काशी जो प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वंशवाद की राजनीति की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है। So what's the question? The question is that do you agree when the Prime Minister says dynastic politics has ended institutions? The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. पहले क्योंकि जैसे ही मीडिया ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि जिन इंस्टीट्यूशंस को खराब करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, खुद बीजेपी ने वो काम किया है। और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है। चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं है। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। बिल्कुल अपने तीखे तेवरों के साथ यहाँ पर प्रियंका गांधी मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि हमें जितना प्रताड़ित किया जाएगा हम उतना और लड़ेंगे, हम डरने वालों में से नहीं है। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रियंका के इस दौरे को कवर कर रहे हैं। कुमार, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के ब्लॉग को लेकर सवाल पूछा गया, प्रियंका ने जिस अंदाज में जवाब दिया, जाहिर है कि काशी तक पहुंचने की भी देरी नहीं, मिर्जापुर से ही सीधे हमला बोल दिया। जी बिल्कुल, ये अंदाजे प्रियंका का आगाज है, जो कि सब लोग जान रहे थे कि प्रियंका गांधी काशी की ओर बढ़ रही है तो और लगातार प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही है, और जब जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं वहां पहुंचने वाली हैं, तो शुरुआत उन्होंने हमले से कर दी है। शुरुआत में बता दिया क्या तेवर होने वाले हैं प्रियंका गांधी के, कार्यकर्ताओं के बीच की प्रियंका गांधी, और आज तक जब उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री अमित शाह को लेकर, तब उन्होंने ये बात कही सीधी सीधी, और ये भी कहा कि जो लोग अहंकार में होते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं, उनको ये लगता है कि जनता को गुमराह कर लेंगे और बाकी लोगों को डरा लेंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के तेवर रही है, लेकिन वही सवाल मीनाक्षी बना हुआ है कि आप मीडिया से बयानबाजी कर लें, आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच चली जाएं, कार्यकर्ता खुश हो जाएं, लेकिन क्या प्रियंका गांधी का ये जो पूरी कोशिश है वो जनता में कितनी उम्मीद जगाएगी, कितने वोटों में तब्दील कर पाएगी, ये सारे सवाल है जो प्रियंका गांधी के सामने बने हुए हैं, कांग्रेस के सामने बने हुए हैं। जी